कोई भी आप ट्रे गार्डन चाहे छोटे साइज की बनाए चाहे बड़े साइज की बनाए, उसमें आगे स्पेस को खाली रखें। ये टूटे हुए गमले के या कोई भी ठिकरे हो, ये हमने इसमें रॉक सेट कर दिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ब्यूटीफुल। और अब इसकी ग्राउंड को कवर करने के लिए हम ये व्हाइट मार्बल जो है सर, प्लांट्स पे भी स्प्रे हो रहा है और साथ ही साथ नीचे पानी भी पहुंच रहा है, दोनों चीजें हो जा रही है एक साथ। और कोई भी ट्रे गार्डन को बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेज भी हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं, 2 दिन का कोर्स है। संदीप जी, अब देखिए, अब हम आपको एक ट्रे गार्डन बनाकर दिखाते हैं जी, जो कि आपके व्यूवर्स भी देख पाए और कुछ सीख पाए ट्रे गार्डन कैसे बनते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को पहले बताना चाहूंगा कि ट्रे गार्डन क्या है, किसे कहते हैं, किस लिए इसकी जरूरत है। ट्रे गार्डन, देखिए, गार्डन के लिए हम पहले खूब बड़े गार्डन होते थे, लॉन होता था जिसमें हम घास लगा लेते थे, अपनी इच्छा अनुसार पेड़ पौधे लगा लेते थे, 4 कुर्सियां डाल के बैठ जाते थे तो हमें अच्छा लुक फीलिंग आती थी। लेकिन अब वो सब जगह कम हो गई हैं, तो अब उसका विकल्प है ट्रे गार्डन। एक छोटी सी ट्रे में अपनी इच्छा अनुसार अपने साइज अनुसार ट्रे गार्डन उसका एक विकल्प, एकमात्र साधन है। क्योंकि जिस ट्रे गार्डन को हम अपनी बालकोनी में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, जो भी हमारे को जहाँ पर भी हम इसको सजा सकते हैं, अपने ट्रे गार्डन को और गार्डन का लुक ले सकते हैं, तो इसको ट्रे गार्डन कहते हैं। अब मैं बताता हूँ ट्रे गार्डन के लिए हमें पहले क्या क्या मटेरियल चाहिए जी। सबसे पहले तो हमें एक पॉट चाहिए होता है, वो पॉट कोई सा भी कैसा भी हो सकता है, पर्टिकुलर ये नहीं कि ओवल शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, राउंड शेप में हो, जो जैसा आप चाहें वैसा उसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए होते हैं ठिकरे, ये टूटे हुए गमले के या कोई भी ठिकरे हों, वो ठिकरे चाहिए होते हैं ताकि हम इससे इसके होल्स को कवर कर सकें, इसलिए ये ठिकरे चाहिए होते हैं हमें। फिर हमें चाहिए होती है सॉइल, और ये सॉइल भी ऐसी होनी चाहिए इसका यदि मैं लड्डू बनाऊं तो लड्डू फूल जाना चाहिए, बंधना नहीं चाहिए। और सॉइल के बाद फिर हमें आवश्यकता पड़ती है रॉक्स की, लास्ट में फिर हमें जरूरत पड़ती है प्लांट्स, ये देखिए प्लांट्स। और हमें फिर जरूरत पड़ती है सबसे एंड में मिनिएचर्स की। ये सभी सामान आप मेरे यहाँ से ले भी सकते हैं, तैयार ट्रे गार्डन ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं। पिछली बार संदीप जी ने मेरा कवर अप करा था तो बहुत इंक्वायरी आई थी और बहुत मैंने आसाम तक भेजी हैं, तो ये बहुत अच्छे से जो है पैकिंग करके हम इनको भेज देते हैं तैयार, और आपके ऑर्डर पर भी हम बना सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसा भी थीम चाहिए उनको। जी जी जी, वैसा ही। ओके, तो सर आज किस थीम पे आप बनाने वाले हैं ट्रे गार्डन? अब हम बनाते हैं थीम पे जो है, देखिए सबसे पहली बात, हमें ट्रे गार्डन बनाने पहले ये सोचना चाहिए कि हमें इंडोर बनानी है या आउटडोर बनानी है जी। बाहर यदि हमें इंडोर बनानी है तो इंडोर टाइप प्लांट्स हमें इसमें प्लेस करने होंगे जी, और आउटडोर बनानी है तो आउटडोर टाइप प्लांट्स प्लेस करने पड़ेंगे राइट। और यदि हमें कैक्टस सैकुलेंट की बनानी है तो उस वैरायटी के लिए, लेकिन उसके लिए सॉइल मिक्सचर चेंज हो जाएगा, दूसरा सॉइल मिक्सचर आएगा। ओके, जो तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरा क्या सबसे बड़ा ध्यान रखना है ट्रे गार्डन बनाते समय, कि इसमें छोटे प्लांट हमें लगाने हैं ट्रे गार्डन में, हम बड़े प्लांट नहीं लगा सकते। उसके 2 रीजन हैं छोटे प्लांट लगाने के, एक तो हमारी ट्रे में वो एडजस्ट हो जाते हैं और दूसरा उनकी हाइट वो सर्वाइव आसानी से कर जाते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होने की वजह से। तो यदि हम ज़्यादा ऊंचा बड़ा प्लांट लेंगे तो उसको भोजन भी उसी तरह चाहिए जी, इसलिए हम छोटे प्लांट लेंगे ताकि जो इसमें सॉइल है उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ भी करते रहे, ग्रोथ भी करते रहे जी। तो अब ये देखिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये ट्रे ली और इसमें हमने ठिकरे रखे इसके ऊपर, इस तरह से ठिकरे रख दिए हैं ताकि पानी का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना रहे। नाइस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉइल, इसके बाद इसमें डालने जा रहे हैं सॉइल, थोड़ा सा सॉइल जो है। सॉइल मिक्सचर का और डिटेल में मैं, जब आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे, कैसे क्या क्या मिलाते हैं सॉइल मिक्सचर में, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सर, क्लासेस भी देते हैं, तो आप डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं
कि ट्रे गार्डन कैसे बनाना है, सॉइल मिक्स में क्या क्या डाला है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है ना सर? जी। और ये देखिए, अब हम इसमें रोक सेट करेंगे। वाओ सर, आज थीम क्या रहने वाली है स्ट्रे गार्डन की? ये इसकी थीम है, हम पहली बात तो ये इंडोर टाइप होगी। ओके। और दूसरी बात, इसमें पहाड़, पेड़ पौधे, घर, पुल वगैरह सब कुछ होगा। सब कुछ होगा मतलब, वाह, ऑल इन वन है ये। ठीक है, ये थोड़ी सी सॉइल और आ गई है। अब ये पत्थर यहाँ पे सर ने खड़ा कर दिया है। नाइस, ये आ गया है दूसरा पत्थर, ये यहाँ पे खड़ा थोड़ी सॉइल। ये हमने इसमें रॉक सेट कर दिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये रॉक्स मैं गुजरात से मंगाता हूँ, स्पेशली वहाँ से मिलते हैं। और अब हम इसमें प्लांट्स लगाएंगे। जी, और प्लांट्स के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम ज्यादा बड़े प्लांट नहीं लगाते हैं, स्नेक प्लांट, क्योंकि हम इंडोर बना रहे हैं तो सारे इंडोर प्लांट लगाएंगे। ब्यूटीफुल, ये ले लिया सर ने स्नेक प्लांट और इसको प्लेस कर रहे हैं इस साइड। नाइस, एक और हम लगा रहे हैं सिंगोनियम। ब्यूटीफुल, ये देखिए, ये सिंगोनियम प्लेस कर दिया सर ने यहाँ पर। बहुत बढ़िया, एक और सिंगोनियम हम, ये सिंगोनियम की आ गई है दूसरी वैरायटी। तो अलग अलग तरह के सिंगोनियम, मनी प्लांट, आपको कई वैरायटी मिल जाती है मार्केट में। तो सर के पास भी कई सारी वैरायटीज हैं, जिनमें से दो सिंगोनियम तो सर ने यूज कर ही लिए अभी तक। ये देखिए, उस तरफ सिंगोनियम लगा दिया है। और एक और चीज का ध्यान रखिए जी, ट्रे गार्डन में पीछे हम थोड़ा बड़े प्लांट लगाएंगे जी, और आगे छोटा लगाएंगे ताकि सारे प्लांट विजिबल हों जी। अब एक और हम लगाते हैं, ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है, ये देखिए सेंसेवेरिया की। ब्यूटीफुल, यहाँ जगह गड्ढा करने का। अब इसमें हमने रोक लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए, क्योंकि छोटी ट्रे ज्यादा प्लांट्स नहीं आएंगे। और एक और चीज ध्यान रखनी है, कोई भी आप ट्रे गार्डन चाहे छोटे साइज की बनाए चाहे बड़े साइज की बनाए, उसमें आगे स्पेस को खाली रखिए। ओके। तभी उसका प्रॉपर लुक आएगा। पीछे बड़े प्लांट रखिए, आगे जितने छोटे प्लांट हो वो रखिए, और आगे का स्पेस खाली रखिए। अब इसमें हम लगाएंगे मिनिएचर्स। मिनिएचर्स झोपड़ी, ये देखिए, इसमें हम एक ये लगा देते हैं पुल। वाओ, देखिए, ये हमारी ट्रे गार्डन में, हमने पहले ट्रे को लिया, उसमें सॉइल वॉइल और रोक वगैरह, ये रोक लगाए, फिर हमने उसमें प्लांट्स को प्लेस करा। हमने प्लांट्स के लिए बताया कैसे प्लांट हमें प्लेस करने हैं, पीछे थोड़ा बड़े रखने हैं, आगे थोड़ा छोटे रखने हैं, और हम इंडोर ट्रे बना रहे हैं तो इंडोर टाइप भी प्लांट रखने हैं। अब हम इसमें मिनिएचर्स लगाएंगे, तो देखिए, पहाड़ों पर पुल, झरने, जब तक नहीं हो मजा नहीं आता, तो ये हम पुल लगाया। और ये सर आपने आगे टाइल रखी हुई है? हाँ, ये टाइल, ये रास्ता बनाया है, रास्ता बनाया टाइल के जरिए। ओके, ठीक है। और ये देखिए, ये हमने ये झोपड़ी, ये घर अच्छी सी हट बना दी है, हट रख दी है। और ये कुछ मिनिएचर्स हम और इसमें, ये देखिए, बर्ड्स वगैरह भी आ गए हैं ट्रे गार्डन के अंदर। ये रैबिट आ चुका है, अमेजिंग ये। और अब इसकी ग्राउंड को कवर करने के लिए हम ये वाइट मार्बल जो है इसको यूज करते हैं। ब्यूटीफुल, तो जितनी भी जगह खाली हमें नजर आ रही है वो सारी के सारी अब मार्बल से भर जाने वाली है। तो इस तरह से नीचे की सॉइल जो है वो छिप जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी, और जो ट्रे गार्डन है वो देखने में और भी सुंदर लगेगा। और इसका एक और बेनिफिट है सर जी, वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। इससे एक तो जो मिट्टी है ना जी, वो मिट्टी इधर उधर जाएगी नहीं, बिल्कुल सही सेट हो जाएगी। हाँ। और लुक तो आएगी ही आएगी। तो ये चीज भी सर ने मुझे लास्ट टाइम बताई थी, जो कि मुझे अभी तक याद है, सर ने बताया था जब हम इस तरह से ऊपर से इसे कवर कर देते हैं ग्रास के जरिए, या फिर ऐसे हम स्टोन्स वगैरह डाल देते हैं,
तो हमारी जो मिट्टी होती है जब हम वाटरिंग करते हैं उस टाइम पे बहती नहीं है, बाहर नहीं आती है, वो स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से हमारा ट्रे गार्डन एज इट इज़ जैसा हमने डिज़ाइन किया है वैसा ही रहता है और इसकी खूबसूरती बनी रहती है। अब ये देखिए, ये हमने इसमें मिनिएचर्स को सेट कर दिया। अब लास्ट ये इसका वाटरिंग हमें कैसे करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर, तो वाटरिंग को हम करेंगे पंप के द्वारा। ओके, तो हमें स्प्रे करना है। स्प्रे करना है डायरेक्ट पाइप से पानी या किसी और चीज के माध्यम से नहीं, पानी देना। नहीं देना है, ओनली तो स्प्रे। इससे प्लांट भी हमारे वाश आउट हो जाएंगे और उनको प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह। इस तरह से आपको करनी है वाटरिंग, देख सकते हैं प्रॉपर जो तरीका है वाटरिंग का, वो भी आपको सर ने करके दिखा दिया है। तो ये तो सर प्लांट्स पे भी स्प्रे हो रहा है और साथ ही साथ नीचे पानी भी पहुंच रहा है, दोनों चीजें हो जा रही है एक साथ। नाइस जी, देखिए कितने कम समय में और कितनी कम चीजों से हमने ये ट्रे गार्डन तैयार कर दिया है। और कोई भी ट्रे गार्डन को बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेज भी हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं। 2 दिन का कोर्स है, आधे 30 मिनट्स की क्लास होती है। आप भी हमारी क्लास में जरूर आइए और अपने पर्यावरण को शुद्ध और सुंदर बनाइए। ताजी हवा को आप लीजिए, अपना एक गार्डन का सपना पूरा कीजिए। यही मेरी सबसे संदेश है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने सारे के सारे ट्रे गार्डन्स तो सर के देखे ही देखे, साथ ही साथ उन्होंने आपको ट्रे गार्डन बना के भी दिखा दिया। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आशा करता हूँ आप लोग भी ट्रे गार्डनिंग करना बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। अगर आप इस थीम के अलावा और भी थीम पर अलग अलग तरह के ट्रे गार्डन वगैरह बनाना सीखना चाहते हैं तो सर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन की क्लासेज हैं, ओनली 30 मिनट्स की 2 क्लासेज आपको लेनी है और आप भी ट्रे गार्डनिंग ईजिली कर पाएंगे। आप यहाँ पर विजिट करके भी सर से क्लासेज ले सकते हैं, साथ ही में आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। साथ ही में अगर आप लेना चाहते हैं कोई ट्रे गार्डन तो सभी के पिक्चर वगैरह कैटलॉग आपको सर से मिल जाएगी। जो नंबर आप दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पूरी की पूरी कैटलॉग मिल जाएगी। आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी अवेलेबल है। और ऐसी ही काफी सारी वीडियो चैनल पर आती रहती है, मैं भारत के अलग अलग गार्डनर्स को कवर करता रहता हूँ। तो ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।